हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे आज के दिन मीन्स यहाँ पे 20 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। सॉरी, वीडियो लेट आ रहा है आज, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट यहाँ पे देखेंगे लास्ट स्विंग हमारे पास कहाँ का लगा है, तो लास्ट स्विंग हमारे पास 2520 का लगा है, हम सभी को पता है, ठीक है। और एक चीज़, जब ये यहाँ से इस तरीके से निकल रहा था तो हमने क्लियरली आपको मेंशन किया था ये लेवल, अगर आपको याद हो तो। आप जाके परसों का वीडियो आई गेस चेक कर सकते हैं, 2 दिन पहले का वीडियो। हमने ये चीज़ एक बात की थी कि यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया है, ठीक है। अगर ये रेंज ऊपर की ओर ये ब्रेक करता है तो हम लोगों को ये पहला टारगेट तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो रेंज था, एक ये रेंज था उसके बाद एक ये रेंज था, राइट। तो यहाँ पे जब हम लोग को ये टारगेट ऊपर वाला ब्रेक होते हुए दिखेगा तो हमने बात किया था ये वाला रेंज हम लोग को यहाँ पे इतना टारगेट दे सकता है, एंड उसके बाद फिर से ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो एक और रेंज बनेगा जो कि 2600 के आसपास को लेके जा सकता है। तो फिलहाल 2520 वाला लेवल तो हमारे लिए अचीव हो गया है। अभी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं यहाँ पे देखेंगे लास्ट स्विंग हमारे पास कहाँ पे है। 2525 के आसपास है, राइट। और अभी कल के दिन बहुत ही अच्छी रैली हुई है, बहुत ही अच्छी ओपनिंग थी, मैं बोलूंगा फ्लैट ओपनिंग थी। हम सभी को पता था फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो हमने पहले से लेवल शेयर करके रखे थे, 2466 ब्रेक करेगा तो 2480 एंड ऊपर का भी टारगेट अचीव कर सकता है, लेकिन हमने कोई लेवल दिया नहीं था, राइट। तो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया है। अभी शेयर के लिए क्या है कि 3 दिन अच्छे खासी रैली हो गई है, स्ट्रेच हो चुका है शेयर, तो यहाँ पे इसने हॉल्ट किया है तो ये रैली मिला। अभी यहाँ पे फिर से इसको हॉल्ट करना पड़ेगा, उसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो हम लोगों के लिए क्या करना है, हम लोगों के लिए यहाँ पे अगर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, क्योंकि अभी ये जो लेवल है 2465 से लेके 2460 का ये जो लेवल है एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो ये अगर नीचे आता भी है तो एक नया रेंज बनाने की कोशिश करेगा, एक नया चैनल पैटर्न बनाएगा जिसको ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉल की यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा, मैंने ग्लोबल सिनेरियो देखे नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, एनीथिंग बिलो 2420 तो ये फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी तो चूंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे अगर 2420 के आसपास ओपन हो रहा है तो एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इस सपोर्ट जोन के आसपास ओपन होगा तुरंत बाइंग हैपनिंग होगी। अगर उसके बाद फेल होके फिर से आता है तो ये लेवल को ब्रेक करके फिर ये 2414 के आसपास आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा यहाँ पे कोई सिनारियो नहीं है, गैप डाउन ओपन नहीं होता है और फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होते ही अगर अपने इस हाई को ये ब्रेक करता है जो कि लगा है, और अप्रोक्स इसका हाई लगा है, हम लोग यहाँ पे लेवल देख लेते हैं, इसका हाई लगा है 2530 के आसपास, तो ये अगर अपने हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक और रैली ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर इसके पास जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर निकल सकता है। तो अगेन अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग ऊपर के लिए प्लान करेंगे, एंड अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पे ये रुक सकता है। इसके लिए हमारे पास पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, ये नहीं यहाँ पे गिर रहा है, रुक रहा है, क्या हो रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की ओर हम लोग प्लान करेंगे, नहीं तो हम लोग शांति से बैठेंगे। आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना रखे होंगे, एसएल आपका छोटा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा होगा तो आप एसएल यहाँ पे इस स्विंग के नीचे आप लोग ट्रेल कर सकते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बना है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अब हम लोग चलते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग को साफ क्लियर नजर आ रहा है। और ओके, अभी हमको याद आया कि 2500 ये जो हमने 2040 का लेवल दिया था वो बिल्कुल इन लेवल्स के आसपास से निकल के आया था, याद है, इन लेवल्स के आसपास से ये निकल के आया था ये लेवल। और इसको 1 डे टाइम फ्रेम जब भी मैं ऐसे करता हूँ तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि इन लेवल्स को ब्रेक करने में इसको दिक्कत होगा, क्योंकि हाँ ब्रेक तो नीचे की ओर करके चला गया है लेकिन अब जब ऊपर की ओर ब्रेक करने आएगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे इस लेवल को इसको ब्रेक करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया है, तो जैसे यहाँ पे 2-3 बार में इसको ब्रेक किया है, अभी ये 2520 का जो लेवल है इसको ब्रेक करने में इसको टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है फिर आज के दिन हो सकता है इसके अंदर ही कहीं पे हम लोगों को एक क्लोजिंग मिले, ठीक है। इसके अंदर अगर आज के दिन आधा भी दिन रुक गया एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो डायरेक्टली ये फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, एंड इस ट्रेंड लाइन के आसपास आते आते भी लगभग लगभग ये 2500 2570 65 के आसपास से फिर से रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि
3 दिन बहुत ही अच्छी खासी रैली हो चुकी है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है फिर ऊपर क्यों निकलता है, तो ये जस्टिफिकेबल लगता है। आपको भी लग रहा होगा कि इतना दिन ऊपर गया तो यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना चाहिए एंड उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए लास्ट टाइम जो बाइंग हैपनिंग हुई थी बहुत तेज हुई थी, तो हो सकता है इस बार भी बाइंग हैपनिंग बहुत तेज हो, लेकिन एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद, क्योंकि बायर्स को क्या लगेगा यहाँ पे कि मार्केट भागा जा रहा है और रुक नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो ये प्राइस कभी ना आए, तो जब भी बायर्स को ये फील आ जाता है कि ये प्राइस पे ये शेयर कभी मिलेगा नहीं, तो फिर ये वन वे डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी मार्केट में हलचल है तो अगर ऐसा मोमेंटम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन इसको टेक्निकली यहाँ पे रुकना चाहिए, राइट। यहाँ पे जहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बनाया है इस रेंज में इसको वन डे रुकना चाहिए एंड उसके बाद फिर जर्नी कंटिन्यू करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके पास एसएल ट्रेल करने का मौका हो जाएगा, फ्रेश पोजिशन बनाने का मौका मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बाइंग हैपनिंग हो सकती है। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने टारगेट्स एंड लेवल्स देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर की ओर यहाँ पे कर देते हैं 2530 का। अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर हम लोगों को जो टारगेट देखने को मिल सकता है उसके लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ओके। तो 2530 का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर जो हम लोग टारगेट देख सकते हैं वो 2550 तक का देख सकते हैं। ऊपर की ओर अगेन मैं एक ही टारगेट दूंगा एंड अगर सेकेंड टारगेट चलिए रखना है तो हम एक टारगेट रख सकते हैं और ये होगा लगभग लगभग यहाँ पे 2560 का। क्यों 60 का, क्योंकि यहाँ पे गैप है, ठीक है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जैसा कि मोमेंटम कर चुका है तो एक और अगर रैली करता है आज के दिन कंटिन्यूअसली और इसको ब्रेक करता है तो 60 के आसपास से रेजिस्टेंस मिलने को चांसेस हैं, 60-70 के आसपास से, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल कर देगा प्लस यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर के लेवल दिखा सकता है, नीचे की अभी हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।